Hello and welcome back to our channel. I'm Vishy and he is Anshu. I hope you all are doing well. Welcome to Avishy and Anshu Vlogs. आ चुके हैं आज हम वापस दोबारा एक नए वीडियो के साथ. आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे खुशी, क्योंकि मुझे काफी खुशी होती है ऐसी कुछ नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में जो आप तक पहुंचे और आपको कुछ जानकारी मिले इससे. तो आज काफी ज्यादा एक्साइटेड है हम, क्योंकि आज हम दोबारा एक नए प्रॉपर्टी रिव्यू के लिए निकल चुके हैं. और ये है नान अदर देन आदर्श वेलकिन. आदर्श बिल्डर्स के बारे में सबको पता ही है, ही इज अ प्रीमियम बिल्डर इन बैंगलोर और उनके काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. एक हमने आदर्श पार्क हाइट्स वर्थुर में देखा था, वो भी बहुत पसंद आया था हमें. तो दूसरा आज हम जा रहे हैं वेलकिन देखने के लिए, जो बेसिकली होसा रोड से 4-4.5 किलोमीटर है और सजापुर मेन रोड से मैंने आपको दिखाया 6-6.5 किलोमीटर है. तो वहाँ जाके पता चलेगा बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए सारे वीडियोस प्रॉपर्टी रिव्यू जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, जो लोग नए नए बैंगलोर में मूव हुए हैं और जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी बैंगलोर में रह रहे हैं और वो प्रॉपर्टी की तलाश में है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है. क्योंकि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सारे के सारे नए प्रोजेक्ट्स बैंगलोर में जो भी आ रहे हैं बड़े बिल्डर्स प्रीमियम बिल्डर्स से, और आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं. तो हम इसका बिल्कुल ऑनेस्ट अनबायस्ड रिव्यू शेयर करेंगे, जैसा हमने किया है बाकी आपने देखा ही था. सबसे पहले मैंने लैवेंडर डाला तो काफ़ी पसंद किया गया था, तो लोगों को पसंद आ रहा है तो इस टाइप की और वीडियोस निकालते हैं. तो ऐसे करके हमने बहुत सारी ऑलरेडी यहाँ पे डाल दी है, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी रिव्यू ऑलरेडी है. जाके जल्दी से देख लीजिए और बताइए आपको कैसा लगा. डू लाइक, उससे पता चलेगा कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है और ऐसे हम और बनाएं, एक मोटिवेशन भी आता है. तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. चलिए बाकी चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये आदर्श वेलकिन. लेट्स गो. हाँ, ये लेफ्ट लेना है, ये सरजापुर का रोड है मेन, और यहाँ से हम लेफ्ट लेके जा रहे हैं. इस रोड में तो काफी सारी दुकानें हैं और ऑलरेडी बहुत कुछ डेवलप है. आप देख सकते हैं मैक्स का शोरूम भी है. एंड ऐसे हम चल रहे हैं कुछ स्पीड में, दोपहर के बज रहे हैं 3 और अभी है 4.9 किलोमीटर मोर. तो चलिए आगे चलकर आपको दिखाते हैं. आपको ऐसे खराब रोड का भी सामना करना पड़ सकता है, 2 किलोमीटर बेसिकली. तो देखते हैं, बहुत ही ख़राब है, काफ़ी पोल्यूशन मिट्टी एंड देख सकते हैं आप काफ़ी गाड़ियों की आवाजाही भी है. आदर्श वेलकिन का बोर्ड भी दिख गया यहाँ पे और अभी हम चल रहे हैं सीधा. तो वो 1 किलोमीटर तक रास्ता ख़राब था, अब सही है रास्ता. अब यहाँ से हमारा 800 मीटर और है, मतलब आने ही वाला है. और यहाँ देख रही हूँ मैं काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है एग्जिस्टिंग, तो इस तरफ आप भी देख सकते हैं. लेट्स सी कैसा है लोकेशन. बैंगलोर में इतना गंदा क्यों रहता है, लाइक कचरा कहीं भी डंप कर देते हैं लोग. कुछ एरिया में ऐसा है, बैंगलोर में थोड़ी गंदगी है, ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं पे भी डंप. और इस तरफ पूरा खाली बंजर जमीन है. कल को यहाँ पे भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आ ही जाना है, तो ये पूरा खाली है, कोई ना कोई बिल्डर ले ही लेगा. लेट्स गो. पहुँच चुके हैं आदर्श वेलकिन, ये देखिए आप. और यहाँ पर गाड़ियाँ भी दिख रही है, अभी तो बस लैंड है. लेट्स गो अंदर चल के. तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है रोड के एकदम सामने. कुछ काम तो हो रहा है, पता नहीं इसका काम है या किसका है, बट यहाँ से भी 2 मीटर दिखा रहा है. लेट्स गो. बोर्ड तो यही लगा हुआ है आदर्श का. काफ़ी बड़ा एरिया लग रहा है, ये कितने एकड़ का आ रहा है वो सब पता करते हैं. यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ भी दिख रही है, क्योंकि संडे का दिन है, बहुत लोग आए होंगे पता करने. एज ये प्रोजेक्ट लास्ट वीक ही लॉन्च हुआ है, वेरी लेटेस्ट, वेरी वेरी न्यू. लेट्स गो, चलिए चलते हैं. अपने मेरी चॉकलेट वहाँ पर है, मार्केटिंग ऑफिस. इतने अच्छे अच्छे नारियल के पेड़ है इनका मॉडल फ्लैट. ये विला
3BHK का मॉडल फ्लैट 1868. ये फॉयर एरिया, लिविंग, ड्राइंग रूम से अटैच बालकनी, ये लिविंग किचन. बालकनी तो स्पेशियस लग रही है काफ़ी, है ना. अच्छा स्क्वायर फीट ज़्यादा दिया ना 3BHK में इसमें. गुड स्पेस बालकनी. ये इसका फर्स्ट रूम है ना. प्रिटी प्रिटी इंटीरियर. से हेलो टू आवर व्यूअर्स. काफ़ी प्यारा सा इंटीरियर किया है इस रूम का. एंड साइज इज ऑल्सो डिसेंट. लेट्स गो आउट. किचन की तरफ पहले देखते हैं. इन्होंने ये एरिया थोड़ा कम कर दिया तो किचन और ये सब बड़ा कर दिया. ओह यार किचन अच्छा है. मेरा बाहर स्पेस तो योर डिज़ाइन कॉपी कर लेंगे. और ये किचन से यूटिलिटी एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो ये तो अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. वाव लव दिस. चलिए दूसरे रूम में. ये रूम का और वो रूम का सेम साइज है ना. डिसेंट है ये भी, अच्छा है. इसमें है अटैच्ड वॉशरूम. इसका साइज भी डिसेंट है और इसका भी इंटीरियर बहुत ही क्यूट सा किया है, प्यारा सा. तो जिसको आइडियाज लेने हैं ना वो ऐसे मॉडल फ्लैट में आके इंटीरियर आइडियाज ले सकते हैं. वार्डरोब तो सब सेट करने के बाद भी क्वीन साइज बेड होगा. ठीक ठाक स्पेस है रूम में. चलिए आगे बढ़ते हैं. तीसरे रूम. ओके पाउडर रूम है इसका. ठीक साइज है, इतना बड़ा भी नहीं है, वुड से नॉर्मल. ये मास्टर बेडरूम है ना. टन टन. सबसे पहले वॉशरूम राइट में. वॉशरूम इसका बड़ा है. एंड वाव इसका तो बहुत ही मस्त स्पेस. कितना खर्चा करते हैं इंटीरियर में ये लोग, मानना पड़ेगा. आपको कैसा लगा इसका बालकनी देख लें. चलो वाह, मतलब हर जगह मिरर मिरर और मैं कोई मिरर नहीं छोड़ना चाहती. और ये इसकी बालकनी है, सेम जो हॉल का है उतना ही डायमेंशन है. वेरी ह्यूज, वेरी नाइस. ये पैनल जो लगाया है साइड में कितना अच्छा लग रहा है. वाह ये पूरा लुक आप ले लीजिए. मैंने देखा मास्टर बेडरूम. अब यहाँ से ये बाहर का एरिया निकालने का. तो ये था 3BHK. डिस्कशन रूम में आ गए हम लोग. अभी देखते हैं क्या बोलते हैं. अभी हमें सेल्स पर्सन अटेंड करने वाले हैं. लेट्स सी, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी. चलिए वापस चलते हैं. सब पता वता तो कर लिया हमने. गाड़ी में बैठ के आपको सारी डिटेल देते हैं. है नहीं पति, कितना अच्छा लग रहा ना ये नारियल के पेड़ जो हैं इतने सारे. हाँ तो ये है पूरा आदर्श वेलकम का एरिया. लेट्स गो. हेलो मिस्टर अंशु जी. हाय. तो आपने आदर्श वेलकम का प्रोजेक्ट देख लिया. हाँ जी. मॉडल फ्लैट भी देख लिया. हाँ जी. हमारे ऑडियंस को बताइए कि मॉडल फ्लैट क्या कौन कौन से अवेलेबल थे एंड प्राइस कॉस्ट एवरीथिंग. नहीं मैं सिर्फ मॉडल फ्लैट नहीं बताता बिकॉज मॉडल फ्लैट आप कहीं पे भी जाओगे तो वो अच्छा ही बना के रखते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी डिजाइनिंग की होती है. तो आप कभी भी, मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा मॉडल फ्लैट के बेसिस पे. थोड़ी लड़कियां वो हो जाती हैं बट आदमी लोग अपना दिमाग लगाएं, कभी भी मॉडल फ्लैट पे जजमेंट ना करें. वो तो आप किसी भी घर को अच्छा बना सकते हो इंटीरियर से. तो अगर मैं सबसे पहले बताना चालू करूँ तो सबसे पहली बात, ये 52 एकर की प्रॉपर्टी है. बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जगह की कोई कमी नहीं है. और मतलब ये मतलब एकदम सरजापुर, ये सरजापुर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच में है. तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेन रोड भी आता है, सरजापुर का भी मेन रोड आता है. तो यहाँ पे विला भी है 21 एकर, उसमें इन्होंने विला है जो कि बोल रहे हैं लोग कि कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. लास्ट ईयर नवंबर में लॉन्च हुआ था विला. अब इनके बड़े डायमेंशंस के बचे हैं 6000 स्क्वायर फीट के, जो अराउंड 7 CR के. उसके अलावा यहाँ पे 6
टावर का इनका प्लान है। तो अभी इस फर्स्ट फेज में इन्होंने दो टावर रिलीज किए हैं जिसमें 2.5 BHK 3 BHK है। सबसे पहले मैं अगर मैं आपको 2.5 BHK बताऊँ तो उसकी डायमेंशंस आपकी कुछ 1360 से लेकर 1430 तक है। उसके अंदर 2.5 वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक रूम आपका बहुत ही छोटा है, अराउंड 10x10 भी नहीं है। फिर आपका एक 3 BHK है। तो 2.5 BHK की अगर मैं प्राइस बताऊँ तो इनकी जा रही है 1.5 से लेकर 1.65 तक, बेस्ड ऑन यू कितनी प्रीमियम यूनिट है, मतलब एमिनिटी फेसिंग है, टॉप फ्लोर है, लाइक दैट। फिर इनका एक 3 BHK है, उसके अंदर क्या बोलते हैं 1868 स्क्वायर फीट से 1904 तक है। उसके अंदर आपका और इनके 2.5 3 BHK दोनों में इन्होंने जो मास्टर बेडरूम में वॉकिंग क्लोजेट दिया है विच इज़ देयर USP। इनके अदर्स के ऑलमोस्ट सब में होता है, अदर्स पार्क आइट एंड ऑल पे, बट 2.5 में आपकी एक्स्ट्रा बैल्कोनी नहीं है मास्टर बेडरूम से, 3 में आपकी एक्स्ट्रा बैल्कोनी भी है। 3 फ्रॉम द यूनिट साइज आई लाइक इट, इट्स गुड ऑल्सो। 2.5 भी मतलब बजट के हिसाब से अगर कोई जाना चाहता है तो बढ़िया ही है। अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ 3 का, तो 3 का प्राइस आपका 1.8 से लेकर अराउंड 2 crore तक है। तो 1.9 का हमने इनसे सबसे, हम हमेशा सबसे टॉप प्रीमियम का ही कॉस्ट शीट लेते हैं ताकि हमें मैक्स लिमिट पता चल जाए। तो इस हिसाब से हमने इनके अमेनिटी फेसिंग 24th फ्लोर बिकॉज ये G+25 है, ग्राउंड फ्लोर +25, दो नीचे इन्होंने बेसमेंट दिए हैं फॉर पार्किंग और 25 फ्लोर तक है। तो हमने 24th फ्लोर जो सबसे प्रीमियम था अमेनिटी फेसिंग कॉर्नर साइड उसकी कॉस्ट शीट ली है, तो आपकी 1.91 CR है। तो उस हिसाब से आई लाइक इट, बट मुझे और यहाँ पे ये बेसिकली अभी हमने एक डायरेक्शन जैसे आपको बताया कि हम सरजापुर से मेन रोड से आए तो हमें बहुत दूर लगा, अराउंड 7 किलोमीटर है, बीच में 1.5 किलोमीटर का रोड भी ख़राब है। बट दे आर सेइंग कि इधर से एक रास्ता है जो कि फिर आदर्श सेंचुरी को कनेक्ट करते हुए 3 किलोमीटर में चला जाता है सरजापुर में, और इवेंचुअली प्लान है कि ये पेरीफेरल रोड से कनेक्ट होगा 4 किलोमीटर में, और यहाँ पे 5 किलोमीटर में ये आपका सिल्क बोर्ड और जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का वो रोड है हाईवे वाला उससे कनेक्ट करता है। तो रोड वोड के हिसाब से आई थिंक कि 3-4 years में सारे रोड डेवलप होने वाले, यहीं का एरिया सब डेवलप हो जाएगा। बट अगर मैं करंट के हिसाब से आपको व्यू दूँ तो ये थोड़ा सा बिट ओवर प्राइस्ड है बिकॉज इस लोकेशन पे, ऑल्दो ये बहुत डेवलप होने वाला लोकेशन है, ये होगा ही होगा, बट अभी के टाइम पे व्हाट आई फील कि 1.6-1.7 तक इनको 1900 स्क्वायर फीट देना चाहिए था, और 2.5 BHK इनको 1.35-1.4 ऐसे देना चाहिए था, बट इन्होंने बढ़ा के रखा है बिकॉज आदर्श मतलब अच्छा बनाता है नो डाउट, बट ये थोड़ा रेट मुझे हाई लगा थोड़ा सा बिट ओवर प्राइस। अदरवाइज प्रॉपर्टी में कोई इशू नहीं है, लुक्स फाइन। और दूसरी बात, जो इनके बाकी के टावर्स हैं वो अभी इनका बिल्कुल भी प्लान नहीं है। okay. वो जगह बहुत बहुत है, तो आपके दो टावर सामने भी आएंगे तो अराउंड 80 फीट का डिफरेंस रहेगा, बट कुछ इनका प्लान नहीं है, तो वो एक पॉइंट है। और जैसा कि आदर्श थोड़ा सा लेट करता है प्रॉपर्टी डिलीवरी में, बट ये लोग बोल रहे हैं कि ये जल्दी करेंगे, रह रहा है इसका December 27 है, तो okay. उस हिसाब से सही लगा। बाकी हम एक और रोड एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ से, जो उन्होंने दूसरा रोड बताया तो हम आपको बाकी बताएंगे। यहाँ पे एक लेक भी है, पानी वानी का प्रॉब्लम देखो पूरे बेंगलोर में ही है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सेल्स पर्सन बोल रहा है कि हमारे पास लेक है पास में, बस लेक वेक होने से कुछ नहीं होता, आपको ही पता है। तो चलिए आपको रोड दिखाते हैं। ऑफकोर्स एक और क्वेश्चन कुछ, तो ये नेगोशिएशन का कुछ स्कोप है कि नहीं? नहीं, तो इसमें नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं है, वो कुछ ऑफर देंगे 1-2 lakh के, तो आप जब जहाँ 2 crore लगा रहे हो आपको 1-2 lakh से फर्क तो पड़ता नहीं है, तो वो आप पॉइंट हटा के ही चलो। ओके, एंड पोजेशन कब का है? December 27 का। एंड विला भी है इसमें, तो सारे बुक हो चुके हैं? सारे बुक है, बड़े विला बचे हुए 6000 स्क्वायर फीट वाले, 6000 स्क्वायर फीट वाले, जिनका प्राइस 6 crore to 7 crore बताया, वो बड़े विला है। ओके, एंड जो फ्लैट अपार्टमेंट्स है, अगर विजिटर्स यहाँ आते हैं तो उसमें कुछ यूनिट्स बची है? हाँ, फ्लैट्स में आपके यूनिट्स बचे हुए हैं। 2.5 BHK में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे वाले बचे हुए, बट 3 BHK में सब बचे हुए, बहुत जल्दी बिकते हैं यहाँ पे। 2.5 BHK बहुत जल्दी बिका है, बहुत जल्दी बिका है, क्योंकि लॉन्च ही हुआ है लास्ट वीक। हाँ, 2.5 ये जो लास्ट वीक लॉन्च हुआ है, बट ये बिक भी गया है अभी तक। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। हम निकलते हैं और नए रास्ते की तरफ एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। एंड ये था पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई होप यू लाइक इट। चलिए लेट्स गो, से निकलते हैं। एंड लोकेशन वाइज तो अभी आसपास इतना डेवलप कुछ नहीं हुआ है, तो फिलहाल हम यहाँ पे
ये अंदर की प्रॉपर्टी है, इनकी ही प्रॉपर्टी है आदर्श की है, इधर राइट साइड में विला है इनका। अच्छा अच्छा। दोनों साइड में इधर ये सब इनका ही है। ओके, पूरी जमीन इनकी है जो उन्होंने एक्वायर करके रखा हुआ है। ओके ओके, काम चालू है इनका। एंड अभी हम जो मेन रोड से न्यू रोड एक्सप्लोर जो करेंगे, जो हमें बताया है, वहाँ से देखते हैं कि कितना दूर पड़ता है। ठीक है, लेट्स गो। रोड है ये, से हम ऐसे आदर्श सेंचुरी होते हुए सरजापुर मेन रोड पे चले जाएंगे। ओके, आते हुए हमने दूसरा पकड़ा। आते वक्त हम उस तरफ से आए थे, जाते हुए इस तरफ से जा रहे हैं। ओके, निकलेंगे सरजापुर मेन रोड पे ही। और भी रास्ता है, मेन रोड से भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले रोड से। और इस रास्ते से बीच में है, ये बीच में है सरजापुर का मेन रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला मेन रोड उसके बीच में है। रोड वोड के हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, बिकॉज आप मेन रोड पे तो आपको नहीं मिलेगा ना, मेन रोड तो आप खत्म हो रहा है, इतना बड़ा एकड़ भी नहीं मिलने वाला मेन रोड। बट थोड़ा सा प्राइस इनको कम रखना चाहिए था अभी जगह के हिसाब से। ओके, मतलब इन्होंने आगे 4 साल आगे का प्राइस लगा दिया, प्राइस अभी बना दिया। 3 साल बाद जो ये देंगे उसका प्राइस इन्होंने अभी डाल दिया। हाँ, रोड तो सही लग रही है, लेक वेक था, हम पूरा लेफ्ट लेके जा रहे हैं उस रोड पे। वे बैंगलोर के पिंक फ्लावर्स आने शुरू हो गए।